दोस्तों, अक्सर देखा है कि हमारे चेहरे पर तिल हो जाते हैं, तेल होते हैं या फिर मसे भी हो जाते हैं। कभी कभी खूबसूरती को बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। चाहे वह लड़का हो या लड़की, यदि तिल उनकी खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं तो वह उन तिलों को हटा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तिल आपकी खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं या फिर सुधार रहे हैं, उसके साथ आपकी किस्मत को भी जोड़ रहे हैं। आज जानते हैं कि आपके किस अंग पर यदि तिल होते हैं तो वह आपको कौन सा भाग्यशाली बताते हैं या फिर दुर्भाग्यशाली होते हैं। तिल भी कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। जानते हैं आज इस वीडियो के दौरान कि कहां पर तिल होने से आपके शुभ माना जाता है। यदि आपके तिल ललाट पर है तो वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ललाट पर तिल होना, चाहे वह लड़का हो या लड़की, आपके भाग्य को दोगुना बढ़ा देता है। आप जो भी चीजें चाहते हैं या फिर जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वह आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आपके ललाट पर तिल होना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर दो, यदि आपके माथे पर तिल है और माथे पर तिल होने की वजह से वह आपके चेहरे की शोभा को बिगाड़ रहा है। यदि आपके माथे पर तिल काले कलर का है और मध्य में है तो वह भी शुभ माना जाता है, लेकिन नतीजे थोड़े लेट मिलते हैं। आप उस तरीके से काम को करते जाइए, आप फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही कोई ना कोई खुशी मिल जाएगी। नंबर तीन, यदि आपके होठ पर तिल है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, यदि आपके होठ पर तिल है तो आपकी मैरिज के बाद की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन जो तिल है वह आपके पाए पर होना चाहिए, यानी कि आपके होठ के हिस्से के पाए मुख पर। यदि ऐसा है तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और हमेशा खुशियाँ रहेंगी। आपके पति के साथ आपका प्रेम पूर्वक रिश्ता बना रहेगा, जिससे कि आपकी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। और यदि इसके विपरीत आपका तिल है तो आपके और आपके पति के बीच में हमेशा मतभेद बना रहेगा। तो आपके तिल आपकी किस्मत से किस तरह से जुड़े हुए हैं? यदि आपके तिल चेहरे पर हैं या फिर आपके चिक पर है, गालों पर है, तो वह आपको धन की भावुकता बताते हैं। आपके पास धन हमेशा रहेगा और आप हमेशा उस धन को बिलास पर ही खर्च करेंगे, यानी कि आप अपने शौक मोज पर ज्यादा खर्च करते हैं और आप उन चीज़ों पर ही सबसे ज़्यादा धन खर्च करते हैं और आप अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा ही हाथ फैलाकर खड़े रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी बिलासों की चीज़, यानी कि आपके शौक मौज की चीज़ों को थोड़ा दूर रखें और उन पर धन का खर्च कम करें। नंबर पाँच, यदि किसी पुरुष की छाती पर तिल है तो समझ लीजिए वह भावुक होगा, कामुक होगा और उसके साथ साथ उसे कोई ना कोई हृदय की बीमारी लगी रहेगी। आपकी यदि छाती पर तिल है तो वह आपके तिल होने की वजह से आपके कामुक होने का भी सबूत है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा कोई भी परेशानी ना आए या फिर आप पहले ही परेशानियों के लिए तैयार रहें, तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपके तिल इस हिस्सों पर होने से आपको क्या विशेषता बताते हैं और किस तरह से आपकी किस्मत से जुड़े हुए हैं। जब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।